अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर की एक बहुत ही स्पेशल डिश, जिसका नाम है चिकन कॉर्न सूप। सूप में बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, इंशाल्लाह मैं बारी बारी आपको सारे सिखाऊंगी। आज उसमें से एक फ्लेवर हम इसमें बनाएंगे जिसका नाम है चिकन कॉर्न सूप। इसके लिए जो मैंने इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं, सबसे पहले हम इसमें चिकन की यखनी रेडी करेंगे, चिकन स्टॉक। उसके लिए यहाँ मैंने लिया है 700 ग्राम्स, इसमें है ये चिकन। इसके साथ यहाँ मैंने लिए हैं तकरीबन 5 से 6 जवे, ये देखें, लहसुन के, गार्लिक, और इसके साथ एक टुकड़ा अदरक जिंजर का। इसके साथ यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून सॉल्ट। अब हम सबसे पहले चिकन स्टॉक रेडी करते हैं। चिकन स्टॉक के लिए सबसे पहले हम एक देगची में अपना चिकन लेंगे, इसको मैंने 700 ग्राम्स लिया है। इसके साथ इसके अंदर जिंजर और गार्लिक जो मैंने साबुत ही लिया है वो डाल देंगे, और साथ इसमें हम लेंगे 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। इसके साथ इसमें जाएगा तकरीबन 2 जग के करीब पानी। आपने जितना सूप रेडी करना है आप उस हिसाब से उसमें पानी ले लें। इसमें मैं तकरीबन 2 जग के करीब पानी डालूंगी जी। तो इसमें ये चला गया तकरीबन 2 जग के करीब पानी। अब इसको हम एक उबाली आने तक तेज़ आंच पर पकाएंगे, और जैसे ही उबाली आएगी फिर हम इसको हल्की आंच पर तकरीबन 1 घंटे के लिए पकाएंगे, ताकि हमारा चिकन भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और हमारी अच्छी सी चिकन स्टॉक रेडी हो जाए जी। व्यूअर्स, आफ्टर 1 आवर ये देखें हमारी यखनी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह रेडी हो गई है और चिकन भी टेंडर हो गया है। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी यखनी को, और इसके साथ मैं जो चिकन निकालूंगी उसको श्रेड कर दूँगी जी। तो कॉर्न सूप बनाने के लिए जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए उसमें यहाँ मैंने लिया है 1 बाउल जिसको चिकन, जिसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया था, इसकी स्टॉक मैंने छान कर अलहदा कर ली है। इसके साथ यहाँ मैंने 1 कप लिए हैं कॉर्न, ये इनको मैंने फ्रेश कॉर्न्स लेकर इनको मैंने बॉईल किया है। आप इसमें स्वीट कॉर्न टिन में जो बाज़ार से मिलते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैं इस सूप को बनाऊंगी तकरीबन मीडियम स्पाइसेस के साथ बनाऊंगी, और लास्ट में हम बाकी स्पाइसेस कम लगे तो उसको और ऐड कर लेंगे, उसको अलग से सर्व करेंगे, क्योंकि सूप हमेशा मीडियम स्पाइसेस के साथ ही बनता है और साथ उसके सर्व अलहदा किए जाते हैं। इसके साथ मैं इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून ही सिरका ऐड करूंगी। इसके साथ यहाँ मैंने 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट आप ध्यान से ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमने शुरू में स्टॉक में भी इसमें सॉल्ट ऐड किया था। इसके साथ तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून यहाँ मैंने स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट लिया है, 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर, और इसके साथ यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। आपके सूप की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, जितनी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से उसको थिक करने के लिए हम कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे जी। तो यहाँ हमने जो चिकन स्टॉक ली थी इसको हमने छान लिया था, इसको अब हमने चूल्हे पर रखा हुआ है, ये गर्म होना शुरू हो गई है। अब इसके अंदर हम अपना बॉयल किया हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। ये कॉर्न सूप की बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाला सूप है, और इसके साथ ही हम इसमें जो हमने कॉर्न्स लिए हैं वो ऐड कर देंगे। इनको हमने बॉईल किया हुआ है, आप रेडी कॉर्न भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसको तकरीबन हम 5 मिनट तक पकाएंगे, ताकि इसमें स्टॉक में भी उबाल आ जाए और ये भी अच्छी तरह इसके अंदर पक जाए जी। व्यूअर्स, आफ्टर 5 मिनट्स अब इसके अंदर हम स्प्रिंग अनियन जो हमने बारीक चॉप करके रखा हुआ था अब हम वो ऐड कर देंगे। इसके साथ हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें यहाँ मैंने सॉल्ट लिया है। सॉल्ट आप हमेशा चख कर डाला करें, क्योंकि हमने पहले स्टॉक में भी इसमें सॉल्ट ऐड किया था। इसके साथ यहाँ मैंने ब्लैक पेपर लिए, 2 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, और तकरीबन 2 टेबलस्पून ही सोया सॉस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने सारे स्पाइसेस मीडियम रखे हैं, क्योंकि बच्चों ने भी पीना होता है सूप, और कुछ लोग कम स्पाइसेस इसमें पसंद करते हैं, इसीलिए उनके लिए ये बेस्ट होता है।
और अगर आपने ज़्यादा स्पाइसेस रखने हैं तो एंड पे साथ इसके अलग से प्रेजेंट करेंगे हम। जी व्यूअर्स, अब यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर जो मैंने लिया था 4 to 5 टेबल स्पून, उसके अंदर मैंने पानी मिक्स करके ये इसका मैंने लिक्विड रेडी कर लिया है। अब इसको हम अपने सूप के अंदर ऐड करेंगे। याद रहे कि आपने या तो लकड़ी का चम्मच या तो आपने नॉन स्टिक का चम्मच यूज़ करना है, आपने स्टील का चम्मच यूज़ नहीं करना, क्योंकि उससे सूप की जो कंसिस्टेंसी होती है वो बिल्कुल भी नहीं मेंटेन रहेगी। सूप आप जितना मर्जी उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करते जाएंगे, सूप आपका पतला ही होता जाएगा। आपने हमेशा लकड़ी का या नॉन स्टिक का चम्मच इसमें यूज़ करना है। अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी। कॉर्नफ्लोर ऐड करते हुए आपने कॉन्टिन्यूसली अपने चम्मच को हिलाते जाना है। अगर आप हिलाएंगे नहीं तो इसमें गुठलियाँ सी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। जी, तो हमने इसको कॉर्नफ्लोर डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाया है। ये देखिए माशाल्लाह थिक हो गया। अगर आप इसे और थिक करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं, अपनी चॉइस होती है। इसके बाद मैंने यहाँ एक एग लेकर इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब इसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे। इसी तरह से आप इसमें चम्मच हिलाते जाएँ और थोड़ा थोड़ा करके एग डालते जाएँ। इससे इसमें एग के बहुत ही अच्छे रेशे नज़र आएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी उसकी लुक आ रही है। जी, तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हमारा सूप बिल्कुल रेडी है। जी व्यूअर्स, आफ्टर 2 to 3 मिनट्स हमारा सूप माशाल्लाह देखें बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। दार सा चिकन कॉर्न सूप बिल्कुल रेडी है। इसको हमने यहाँ चिली सॉस, सोया सॉस और यहाँ मैंने सिरके में कुछ ग्रीन चिलीज को कट करके ऐड रखा हुआ है, पहले से डिप किया हुआ है। इसके साथ इसको हमने प्रेजेंट किया है। जिसको इसके स्पाइसेस कम लगते हैं वो इस तरह इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें डालकर तो फिर इसको हम सर्व करते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर कॉर्न्स और चिकन और इसकी थिकनेस भी बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें तो आप इसको और कॉर्नफ्लोर डालकर थोड़ा सा थिक कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है, विंटर्स की बहुत ही स्पेशल डिश है। इसके अलावा भी सूप की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं जिनको मैं बारी बारी आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही अच्छी और नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।